अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। प्यारे दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन नबी का महीना हमारे दरमियान जलवागर है और वो दिन बहुत जल्द हमारे बीच आने वाला है जिस दिन प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला दिन है, इस दिन को बिल्कुल भी जाया न होने दें। ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र अजगार में इस दिन को इबादत के साथ गुजारें। रात के वक्त जब आप ईशा की नमाज पढ़कर फारिग हो जाएं, तो इसके बाद आप 2 रकअत नमाज सलातुल हाजत अदा करें। इस नमाज की बरकत से आपकी तमाम हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। सलातुल हाजत की नमाज पढ़ने का तरीका ये होगा, आप इस नमाज को 2 रकअत नमाज की नियत करके पढ़ें। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। पूरी नमाज आम नमाज की तरह मुकम्मल अदा करें। फिर आप एक नींद निकाल लें। फिर कुछ देर सो लेने के बाद आप नमाज तहज्जुद अदा करें। 2 रकात से लेकर 12 रकात तक आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। सलातुल तौबा की नमाज पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। यह पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत करें, तस्बीह पढ़ें। कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। फिर अल्लाह से दुआ करें, अपनी रोज़ी में बरकत के लिए दुआ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तमाम मुसलमानों की मुश्किलों को आसान करने के लिए दुआएं मांगे। इन तमाम नमाजों का तरीका, कितनी रकात पढ़े, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर के तमाम नमाज का तरीका आप देख सकते हैं। इस रात तमाम नमाज अदा करने के बाद हमारे हक में भी दुआ करें ताकि अल्लाह पाक हमारी इबादतों को भी कबूल फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अदा करें। आमीन सुम्मा आमीन।